साइबर सिटी गुरुग्राम से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। 35 साल के महेश सुबह करीब 7 बजे अपने बच्चों को स्कूल वैन में बैठाकर घर लौट रहा था। इसी दौरान स्कॉर्पियो सवार 3 बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं मामले में पुलिस सूत्रों की माने तो इस हत्या में परिवार के लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। मैंने देखा कि मेरे चाचू के कपड़े हैं, मैं जैसे उतर गया, कंडक्टर ने यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, कंडक्टर ने बस पीछे करवाने के लिए वो गाड़ी आगे करी ना, हैं उतने में उन्होंने उतर के गोली मार दी उनको। वे 4 जने थे और क्या कहते हैं, एक ड्राइवर था उसमें जो गाड़ी चला रहा था, ब्लैक जेट थी, स्कॉर्पियो थी वो। गुरुग्राम से करुणा ठाकुर के साथ मनु मेहता की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।